और दोस्तों आज हमारे गांव पर भारी हादसा हो जा रहा था, आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मड़ई जो है हमारे बड़े बाबूजी का है। तो दोस्तों आज ये अचानक से अपने आप बाहर आ गया। पूछते हैं बाबूजी से कि मड़ई इनका कैसे गिरा, कब का मड़ई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे बाबूजी बैठे, इन्हीं का मड़ई था। बाबूजी कोई मड़ई कब के रहा मड़ई बता दो कि मिस्त्री काम किए का। मिस्त्री तो कै साल को का कै साल के, बहुत साल के हो गए। हाँ तो पूछ रहे 60-65 करना पड़ा। 60-65 देखिए दोस्तों, हमारे बाबूजी बता रहे हैं कि 60-65 साल हो चुके हैं इस लड़ाई को, इसीलिए अभी ये गिर गया पूरा। काफी पुराना था दोस्तों। 1 रुपया 3 किलो दूध देता था। 1 रुपया किलो दूध था दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। 1 रुपया का 3 किलो दूध दोस्तों 1 रुपये का था उस जमाने में। तब का ये मड़ई था इनका, देखिए जो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का नीपा गुलाग। उम्मीद यही है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमारी पीहू हमारे साथ खेल रही है। पीहू दोस्तों से बोलो नमस्कार। देखिए दोस्तों, हमारे सृष्टि कौन है। रजिंदर भैया कहाँ बैठा, देखिए उतार दीजिए, उतार उतार भैया उतार दो, उतार दो। हाँ बेचारी डर रही कि नहीं। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा खटाई हाँड़ी में रखा हुआ है दोस्तों, गगरी में, मिट्टी वाले में तो सुखाया जा रहा है। और दोस्तों कुछ आपको आपको नया बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मड़ई है यार, सुबह सुबह गिर गया। यही धन था कि समझ लीजिए कोई किसी के ऊपर नहीं गिरा, बच्चे भी सारे पढ़ने के लिए चले गए थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो गया था दोस्तों। आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये पूरा मड़ई पूरा बाहर आ गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मड़ई जो है हमारे बड़े बाबूजी का है। तो दोस्तों आज ये अचानक से अपने आप बाहर आ गया। तो यही सोचिए कम से कम सभी लोग बच गए। आज सुबह सुबह बच्चे पढ़ने चले गए थे 8 बजे, उसके बाद ये मड़ई अपने आप गिर गया। यहाँ पर कोई था नहीं, भैंस खाती खाती है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, और अभी दोस्तों हम आपको मड़ई के अंदर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 भैंसे खाती थी, अभी आपको मंदिर के लिए चल के दिखाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ देखिए दोस्तों, सारा कैसे गिर गया है। आज तो सुबह सब लोग दोस्तों बहुत ही डर गए थे, कि यही सोच रहे थे कि मतलब कोई था नहीं, पता नहीं क्या हो जाता। हाँ देखिए दोस्तों, कैसे गिरा पड़ा हुआ है मड़ई। काफ़ी दिन का हो चुका था ये। यहाँ पे सारे भैंसे खाती थी, 4 भैंस थी। यहाँ देखिए खाउदी, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। और जो सब गिरा हुआ है, ये सब तो आप सब देख ही रहे हैं। सुबह में दोस्तों हम भी बहुत डर गए थे, हम तो परी आए उसको भेज दिए थे स्कूल सभी बच्चे। उसके बाद अचानक से गिरा, सब लोग दौड़ते हुए बाहर आए, देखे कि मड़ई मतलब गिर चुका है। मैंने दोस्तों कि सब लोग बच गए हैं, ये भगवान की कृपा हो गई सब पर। नहीं कोई होता तो बहुत भारी हादसा हो जाता, चोटा जाता, दबा जाता इसके अंदर, तो बहुत दिक्कत हो जाती। यहाँ यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे अंदर भैया देख रहे हैं, अपना भैया गिर गया ना सुबह को आज। और अभी हमारे बाबूजी यही भैंस चला करके आ गए हैं दोस्तों। चलिए पूछते हैं बाबूजी से कि मड़ई इनका कैसे गिरा, कब का मड़ई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे बाबूजी बैठे, इन्हीं का मड़ई था। बाबूजी कोई मड़ई कब के रहा मड़ई बता दो कि 2 रुपये मिस्त्री काम किए का। मिस्त्री तो कै साल को का, कै साल के, बहुत साल के हो गए। हाँ तो कुछ 60-65 करना पड़ा। 60-65 देखिए दोस्तों, हमारे बाबूजी बता रहे हैं कि 60-65 साल हो चुके हैं इस लड़ाई को, इसीलिए अभी ये गिर गया पूरा। काफी पुराना था दोस्तों। 1 रुपया 3 किलो दूध देता था। 1 रुपया किलो दूध था दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। 1 रुपया का 3 किलो दूध दोस्तों 1 रुपये का था उस जमाने में। तब का ये मड़ई था इनका, देखिए जो है। और यहाँ पे हमारी दीदी बैठी हुई है, अभी पूछ रहे हैं इनसे कैसे गिर गया था। 2 रुपया मिस्त्री जोड़ता है। 2 रुपये में मिस्त्री हाँ देखिए दोस्तों, 2 रुपये में मिस्त्री रहते थे। 1 रुपये में लेबर, 2 रुपये मिस्त्री दोस्तों रहते थे। देखिए दोस्तों, पहले के जमाना कैसा था, बिना चप्पल के दूध देने के लिए स्टेशन पे जाते थे वाल्टरगंज। और अगर आज पहुँच गए घरे, तब मिस्त्री लोग बैठे रहे जोड़ते हैं, तब उन्हें हिसाब उतार दूध दे कर दिया गणेशपुर का। तो दोस्तों अब तो बहुत परेशानी हो गया, बनवाना पड़ेगा। मिठू चाय जोड़े है। हाँ वो बता देता है। हाँ ठीक है बाबू जी, बता दीजिए। और बाबू जी हमारे भूल जा रहे हैं। देखिए कैसे गिरा हुआ पूरा मड़ई, चढ़ाई 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 मिस्त्री सब जोड़ रहे हैं दीवार। यहाँ देखिए दोस्तों, टोलू है, टोलू का घर यही है।
इनके घर के सामने ये मड़ई था, चन्नी जिसको बोलते हैं, भैंस जहाँ पे खाती है। दोस्तों कादी टोलू कहाँ रहे, मड़ई गिरा है घरे मन वाली नहीं सड़किया में देखिए दोस्तों यही बच्चे हैं बेचारे, यही थे घर पे, बाकी सब बच्चे पढ़ने चले गए थे, तो थोड़ा दूर वहाँ पर आ गए, तैसे ही ये छपरा मड़ाई सहित पूरा नीचे गिर गया, कोई था नहीं, सब लोग बच गए। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं खेत में, देखिए टोकरी लेकर के चल रहे हैं भिंडी तोड़ने के लिए, जाने का रास्ता ये देखिए दोस्तों कैसा है, अभी चलना पड़ेगा ऐसे ही हमको, तभी चल रहे हैं हम। तो अपने आ गए हैं भिंडी वाले, ये देखिए दोस्तों हमारा भिंडी है, आज हम दोस्तों जो हमने मक्का बैठाया हुआ था, ये देखिए दोस्तों मक्का इतना बड़ा बड़ा हुआ, कल हमारी अम्मा इसको खुरपी से भर के देखी, मेड़ी भी लगा दी आपको हम भी दिखा रहे हैं, हम तो हमारी अम्मा मक्का को गोड़ करके ऐसे सारा मेड़ी चढ़ा दी है, और नाली नाली बन गया, दोस्तों पानी जब चलेगा तो बराबर से मक्के में हो जाएगा, ये देखिए पूरा मक्का। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेनुआ है, और ये छोटा सा हमारा आम का पेड़ है, परी आयु सृष्टि के लिए, गुग्गू के लिए, ये सब बड़े होंगे तो आम तोड़ करके खाएंगे। अभी चलते हैं दोस्तों, हम भिंडी को तोड़ लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, हाँ भी देखिए यहाँ भिंडी हमारा लगा हुआ है, ये देखिए एक भिंडी है, और यहाँ देखिए दोस्तों भिंडी हमारे यहाँ धार चढ़ रहा है, 5 दिन से, अभी 2-3 दिन और चढ़ेगा शुक्रवार तक, उसके बाद पूजा पाठ होगा, जो माता जी का हमारे गाँव में प्रभाव था, ताकि वो ठीक हो जाए, माता जी कृपा करके आशीर्वाद देकर के चली जाए। तो भाई चलते भिंडी तोड़ रहे हैं, और अभी हमने इतना सारा भिंडी देखी तोड़ लिए हैं, और अभी चल रहे हैं घर दोस्तों। और दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चल रहे हैं हम भिंडी लेकर के घर, और अभी दोस्तों हम चल रहे हैं अपने आयुष को ढूंढने के लिए, आयुष हमारा काफ़ी देरी से घूम रहा है दिन भर, और यहाँ देखिए मिल भी गया, ये देखिए दोस्तों खूब घूम रहे हैं आयुष ना, शाम हो चुके, चलो घर, अभी तुम्हारे पापा आते होंगे है ना, चलो घर चलो। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं हम आयुष को लेकर के घर, और इनके पापा तभी ड्यूटी पर से आने ही वाले होंगे, दोस्तों शाम हो चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें बताइए, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।